जय हिंद प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी बेहतरीन सी कक्षा में तो बच्चे आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे एक शानदार एक प्यारी सी कक्षा में तो आप सब बच्चे आप सोच रहे होंगे सर इतना खुश क्यों है खुश होने का एकमात्र कारण है बेटा उत्तर प्रदेश हो या अपना बिहार हो बच्चे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है <laughs> अभी मैं रास्ते में आया तो बच्चे अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरे हाथ नहीं काम कर रहे लिखने में तो बच्चे क्योंकि अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि यार आज कैसे पढ़ा पाऊंगा तो इसी उपलक्ष्य में हंसी आ रही है तो बच्चे घबराना नहीं है आइए शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं दिलखुश कुमार हैं बिपिन कुमार हैं आलोक कुमार प्रियंका खलनायक बाबा क्या बात है शोभा कुमारी मनीष तो बच्चे आप सभी को मालूम होगा कि आपके बिहार पुलिस की एग्जाम डेट आपकी एक वायरल हो रही है पेपर में दो तीन दिन से बच्चे आपको अब ये समझ जाना चाहिए कि जनवरी माह में आपका एग्जाम है जनवरी में आपकी परीक्षा है इसी उपलक्ष्य में आपको डटकर बच्चे मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट आप बच्चे पूरा कंप्लीट पूरा का पूरा फुल एनालिसिस के साथ मॉक टेस्ट लगवाने के लिए मैं आ चुका हूं तो एक बार आप सभी लोग तैयार हो जाओ आज पहला मॉक टेस्ट है और शानदार तरीके से आप जुड़ेंगे एक बार आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर से करना बबलू हैं काजल हैं आप सभी लोग आइए बिना टाइम वेस्ट क्यों वे, क्लास को लेकर चलते हैं एक बार सभी लोग पहले शेयर कर दो फिर चालू करते हैं आज की क्लास को आपके पीछे एक बैच लगा हुआ है नालंदा बैच नालंदा बैच बच्चे बिहार एस एस सी के लिए बड़ा कारगर बैच है अगर आप आज लेते हो इस बैच को तो आपको यहाँ पर जो ये फी दिख रही है 699 सौ इसमें भी, इस भी डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्काउंट के लिए कुछ नहीं करना आपको ये हमारा नाम डाल देना है एस ए सी एच ए एन टू जीरो सचान ट्वेंटी आज आखिरी दिन है और जाकर आप ले लेना सचान ट्वेंटी कूपन कोड लगा के आप इस बैच को ले सकते हो अगला बैच है भैया एस एस सी जी डी का महावीर बैच टू पॉइंट जीरो जहाँ पर आपको इन दोनों बैचों में छः घंटे क्लास डेली चल रही है इस बैच में भी आपको वही कूपन कोड अप्लाई करके इसको भी आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो जाइए देरी नहीं करना और जाकर ले लो मिलेगा कहाँ पर आपको तो फिनिक्स पर ये दोनों बैच अवेलेबल हैं और जाकर इसको आप परचेज कर सकते हो कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है सात सौ सात सौ इकहत्तर इक्कीस जीरो आठ बिल्कुल ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई आइए आते हैं आज शानदार तरीके से एक प्यारा सा मोटिवेशन एक बालक एक पढ़ाई कर रहा है लिखा है रात रात भर जा कर पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी तो याद रखना अगर आप चाह रहे हो कि माँ बाप के सपने पूरे करने हैं अपने सपने पूरे करने हैं तो मेरे दोस्त आपको मेहनत करनी होगी आपको मेहनत करनी होगी ये सर्दी अगर आपको चाहिए वर्दी तो आप बचे हमारे साथ जुड़िए लगाइए मॉक टेस्ट और शानदार तरीके से एक एक चीज क्लियर करिए सर वॉइस ठीक करिए वॉइस गड़बड़ आ रही है वॉइस तो सही होनी चाहिए एक बार मुझे बता दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं एक बार आप सभी लोग बताएं एक बार बता दो वॉइस क्लियर है या नहीं जल्दी से बताओ सभी लोग सुबह जरा से लाओ उधर निकालो जल्दी तुरंत जाओ चलो भाई जल्दी से आओ फटाफट भट। चलिए आप देखिए वॉइस क्लियर होगी मेरे बच्चे एक बार जल्दी से बताओ वॉइस क्लियर हो गई ना आओ आओ यस शानदार तरीके से आइए कम साउंड आ रहा था आप बच्चे जल्दी से बता दो वॉइस क्लियर है या नहीं वॉइस क्लियर है प्रॉपर होगी मेरे बच्चे मेरी वॉइस क्लियर होगी मेरी आवाज़ आ रही होगी आप तक आइए शानदार तरीके से जुड़े क्लियर है यस सर यस सर यस सर अब जल्दी से बताओ अब मेरे लाल आप सभी को बताना है कि मेरी आप तक क्लियर आ रही है या नहीं बोलो आने लगी पढ़ा जाए चलो आइए सभी लोग आपके सामने बच्चे मॉक टेस्ट नंबर पहला मॉक टेस्ट नंबर पहला लग चुका है हमारा टारगेट रहेगा 20 से 25 दिन के अंदर बच्चे आप सभी लोग इतना प्रैक्टिस कर लो इतना मॉक टेस्ट लगा लो कि लगे यार आपको कि हाँ आप कोई भी पेपर आ जाए हम उड़ा देंगे चाहे आपका यूपी पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस हो बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो अभी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया बच्चे हमारे पढ़ाए हुए बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि उनको एक पद जब मिला तो वो खुशी क्या थी जब हमसे वो मिलने आए तो चलिए आप शानदार तरीके से जुड़िए फटाफट आपका आंसर देना है आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है तो बी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है ए ऑप्शन है पोलियो बी ऑप्शन है छोटी माता सी ऑप्शन है टाइफाइड और डी ऑप्शन है टी तो बच्चों का आंसर आ गया कि गुरुदेव इसका राइट आंसर क्या लगा दो टी हो जाएगा अब बी का बच्चे फुल फार्म आपको याद कर लेना है बी का मतलब क्या हो जाएगा बी का मतलब है बैसिलस बी का मतलब क्या है बैसिलस हो जाएगा बैसिलस और सी का मतलब है कालमेट कालमेट और जी का मतलब है ग्यूरिन तो भैया बैसलस कालमेट ग्यूरिन एक साइंटिस्ट थे कालमेट ग्यूरिन जिन्होंने अपने इस टीके को दिया और ये कब दिया जाता है टीवी में तो भैया जन्म के चौबीस घंटे में दिया जाने वाला टीका है एकमात्र ऐसा टीका जो जब बच्चा जन्म लेता है तो ट्वेंटी फोर आवर में दिया जाता है अब बात कर लें कि टीबी के बारे में और सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं जो टीबी है ये किससे होता है तो आप कहोगे सर जी टीबी एक जीवाणु से होने वाला रोग है किससे होता है बैक्टीरिया से और कौन से बैक्टीरिया से तो आप कहोगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किससे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है कि लिख लो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी किससे होता है तो बैक्टीरिया यानी जीवाण से होता है इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बता सकते हो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या हो रहा है टीबी होता है आप इसका राइट right आंसर बता सकते हो टीवी दिवस कब मनाते हैं तो आप कहोगे टीवी दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं तो कह देना कि बच्चे 24 मार्च को मनाते हैं कब 24 मार्च बात क्लियर हो गई फिर पेपर में आता है टीवी में कौन सी जांच करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में टीवी है तो आप कहोगे पहला परीक्षण है मेटाक्स परीक्षण कौन सा मेटाक्स परीक्षण कराते हैं और ये किससे संबंधित है तो आप कहोगे टीवी से संबंधित है दूसरा बेटा परीक्षण होता है जिसको आप कहते हो डाट्स क्या कहते हैं डार्ट्स सरकार के द्वारा ये प्रणाली चलाई गई जो बेटा टीबी के उपचार के लिए कारगर है अब डार्ट्स का फुल फार्म क्या होता है तो भैया आप याद कर लेना इसका फुल फार्म होता है डायरेक्टली ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बच्चे डायरेक्टली ट्रीटमेंट बच्चे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट पूरा बच्चे लिख लेना डायरेक्टली ऑब्जर्व ऑब्जर्व ट्रीटमेंट साइड कोर्स बच्चे क्या हो जाएगा तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट साठ कोर्स बच्चे ये इसका बच्चे क्या हो जाएगा आपका फुल फॉर्म हो जाएगा और इस कोर्स के माध्यम से अगर कोई टीवी छह माह पुरानी है एक साल पुरानी है तब भी बेटा ठीक किया जा सकता है एक क्वेश्चन आता है कि टीवी जो है भारत टीवी मुक्त होने जा रहा है तो भारत 2024 में बेटा लक्ष्य है कि 2024-25 में अपना भारत टीबी मुक्त बनने जा रहा है अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा कि भैया कोई भी बीमारी किसी कंट्री से कब बच्चे हुए तो वो बच्चे उस बीमारी से मुक्त कर दिया जाता है तो 2024-25 का लक्ष्य रखा गया है आप बता सकते हो चलिए एक एक क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया और पूरी पीडीएफ दी जाएगी दिल खोल के आप शेयर करिए दिल खोल के लाइक करिए एक एक-एक क्वेश्चन फुल डिटेल में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको कराने वाले हैं आइए आइए हमारे साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसका स्क्रीन ले लीजिएगा जल्दी से आप सभी बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले लें और शानदार तरीके से एक एक चीजें क्लियर करें आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखा है पंडित रविशंकर किस यंत्र से संबंधित है ये जो पंडित पंडित रवि रविशंकर किस वाद से संबंधित है ऑप्शन है वायलिन सितार है संतूर है सहनाई जल्दी से बता दो तो रविशंकर का संबंध किससे आपको बताना है पीडीएफ आपको प्रशांत मिलेगी एप्लीकेशन पर आइए सभी लोग पंडित रविशंकर किस वाद्यन से संबंधित है देखते हैं कौन बता पाएगा इसका राइट आंसर जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ तो लिखा है पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है वायलिन से सितार से संतूर या शहनाई देखते हैं कौन बता पाएगा इसका राइट आंसर वाह भाई वाह कर लो तैयारी अपनी बेहतरीन मेरे बच्चे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ये किससे संबंधित हैं तो आप कहोगे सितार से संबंधित हैं बिल्कुल सही जवाब आपने दिया याद रखना बच्चे शहनाई से लिख लो हरिप्रसाद चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बेटा सहनाई से याद रखना हरिप्रसाद चौरसिया अगले में आओ अगला है पास्कल किसका मात्रक है जल्दी बताओ पास्कल किसका मात्रक है फटाफट आप लोगों को आंसर बताना है पास्कल किसका मात्रक है दाब का है सर जी दाब का तो कैलविन होता है क्या दाब का तो कैलविन होता है ये वाला तो होगा नहीं क्या सर फारेनहाइट भी होता है क्या भैया फॉरन फारेनहाइट भी होता है ये भी नहीं होगा ये तो होगा नहीं लगा दो कट्टम दाब का मात्रक होता है पास्कल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दाब का मात्रक क्या हो जाएगा पास्कल क्लियर है याद रखना ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आप बहुत बढ़िया जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हो अगला भारत के चौथे राष्ट्रपति बताना है अगला क्वेश्चन उड़ा दो भैया जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है फटाफट आप लोग बताओ एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए जितने लाला जुड़े हैं आप सभी के आंसर आने चाहिए बताओ भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है जल्दी से आपको आंसर देना है तो चौथे राष्ट्रपति आप लोग बता सकते हो वेंकटगिरी बिल्कुल इनको आप वीवीगिरी के नाम से जानते हो इसका राइट आंसर लिख लो वीवीगिरी हो जाएगा क्या हो जाएगा वीवीगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए वीवीगिरी जो जाकिर हुसैन बता रहे हैं एकदम गलत कर दियो भाई वो चौथे पूछा है चौथे राष्ट्रपति पूछा है याद रखना ज्ञानी जेल सिंह इनके टाइम पीरियड में बेटा विटो पावर जेबी विटो का पूर्ण पालन किया इन्होंने इन्होंने विटो पावर को जेब में रख लिया तो जेबी विटो से कौन से राष्ट्रपति संबंधित हैं आप कहोगे ज्ञानी जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा बच्चे ये याद रखना इनके टाइम पीरियड में इन्होंने चार 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 प्रधानमंत्रियों के साथ बच्चे कार्य किया है चार प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया है शंकर दयाल शर्मा याद रखना अब पेपर में आएगा वर्तमान में कौन है पहले वाले तो अपने सिवान से थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भैया वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू कौन है द्रौपदी मुर्मू भैया द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये कहां से हैं तो दो बच्चे जो मुर्मू हैं ये कहां से हैं तो लिख लो ये उड़ीसा से हैं उड़ीसा से हैं उड़ीसा से, है, से होने के साथ साथ ये आदिवासी महिला हैं तो किस जनजात से बिलोंग करती हैं तो भैया संथाल जनजात से हैं। कौन सी जनजाति से हैं बुआ संथाल जनजाति से ये विलांग करती हैं आप इसका राइट आंसर बता सकते हो संथाल जनजाति से हैं भैया बहुत बढ़िया जबरदस्त मेरा सही था बाकी सबका गलत बिल्कुल रानी अगर करोगे मेहनत तो निक, निकलेगा रिजल्ट आपका आओ चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेहतरीन चलिए अगले का आंसर बताओ वर्षा सिंध्या जल्दी से बताना है बताओ भैया 20 से दूर संचार दिवस यानी आपसे पूछा गया है दूर संचार दिवस कब मनाते हैं जल्दी बताओ विश्व दूर संचार दिवस कब मनाते हैं आंसर दो बड़ा बड़ा आप लोग मॉक टेस्ट मारिए बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो भाई जबरदस्त तो सत्रह मई इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रह मई और जिन बच्चों ने सोलह बताया कर दी ना गलती कर दी ना तुमने गलती सत्रह मई आंसर होगा बच्चे याद रखना दस जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस जब भी पेपर में आए कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं तो भैया विश्व हिंदी दिवस क्योंकि 10 जनवरी बच्चे पचहत्तर को दस जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहा हुआ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर में हुआ था बच्चे याद रखना पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ आप बता सकते हो एक दिवस और याद कर लेना बड़ा पेपर में पूछा गया कौन सा 16 सितंबर 16 सितंबर को क्या मनाते हैं तो आप कहोगे 16 सितंबर को मनाते हैं बबुआ क्या तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं याद रखो भाई ओजोन संरक्षण दिवस क्लियर 16 सितंबर के बाद आप याद कर लेना तीस जनवरी और तीस जनवरी को दो दिवस मनाते हैं एक तो भैया तीस जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी को गोली मारी थी नाथुराम गोडसे ने तो एक तो शहीद दिवस मनाते हैं शहीद दिवस के साथ साथ तीस जनवरी को कुष्ठ रोग तो निवारण दिवस भी मनाते हैं कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाते हैं तो भैया ये सारे दिवस आपको याद रखना है याद रखो भाई आओ भाई अगले पर अगले पर आओ अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट आपको आंसर देना है भाई अगले में आओ लिखा तो है अगला आपके सामने कि राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है जल्दी से बताओ राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है इसका आंसर दो देखते हैं सबसे पहले कौन मारेगा तो राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है ये ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन ने तो बेटा उन्नीस में बंगाल विभाजन शुरू किया तो जब भी पेपर में आ जाए कि बंगाल विभाजन किसने शुरू किया तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बंगाल किसने शुरू किया कर्जन। और खत्म किसने किया था तो खत्म किया था बाबू किसने 1911 में हर्डिंग ने खत्म किया तो खत्म करने की बात आए तो लिख लो लॉर्ड हर्डिंग ने लॉर्ड हर्डिंग ने इसको क्या किया खत्म किया या रद्द किया आप कहोगे आ जाओ बच्चे राज्य हड़प नित लॉर्ड डलहौजी बता देना क्या बताओगे लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर है भाई लॉर्ड डलहौजी क्लियर है याद रखना वेले जली के सामने बच्चे सहायक संधि पेपर में आ जाए कि सहायक संधि के जनक कौन है तो सहायक संधि के जो जनक हैं लॉर्ड वेले जली है और रिपन के समय तो भैया जनगणना से क्वेश्चन बन जाता है कि जनगणना जनगणना की शुरुआत बच्चे किसके टाइम पीरियड में हुई मेयो के समय और जनगणना जो है नियमित रूप से किसके टाइम पीरियड में तो जो जनगणना है जो नियमित टाइम पीरियड में पूछा जाए तो आप कह देना रिपन के समय है आइए अगले पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है फटाफट आप लोग आंसर दो जल्दी जल्दी आंसर करते रहो भाई जितने जुड़े एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो और एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई सभी लोग शेयर करो भैया इस सर्दी अगर वर्दी चाहिए तो कर लो मेहनत अपने आप को झोंक दो तैयारी में आइए निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृत के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है जो शिक्षा और संस्कृत के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है डब्ल्यू टी ओ है यूएनओ है नाटो है या यूनेस्को है जल्दी से बताओ तो शिक्षा के लिए बच्चे शिक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है इसका आंसर देना है जल्दी बताओ शिक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था बहुत बढ़िया बिल्कुल सही बता रहे हो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को बिल्कुल अब पेपर में आए डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार से संबंधित है आओ गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की भैया देखो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ बच्चा बच्चा बोलेगा बिल्कुल लिखा है गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की 1930 में 1920, 1921 या 1916? जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर दो चाह लेते हैं ना गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया तो ये किया था भैया साबरमती की स्थापना पूछा गया है अहमदाबाद के निकट तो यह किया था बच्चे कब 1930 में या 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती की स्थापना कब की जल्दी बताओ बहुत बढ़िया क्लियर है इसका राइट right आंसर आप बताओगे 1916 में 15 में आए थे और स्थापना हुई गई 16 में अगले में आओ अगले में आओ भाई अगला क्वेश्चन बताओ लिखा है सबसे लंबी नहर कौन है तो विश्व की लंबी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है पनामा नहर है स्वेज नहर है कील नहर है या सू नहर है तो विश्व की सबसे लंबी नहर बताओ विश्व की सबसे लंबी नहर इसका राइट आंसर बताओ पड़ बताओ आज मॉक टेस्ट है स्पीड से, से लगाना होगा बच्चे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है पनामा नहर हो जाएगा सब गलती कर रहे हो भाई पनामा नहर हो जाएगा याद रखना इसका करेक्ट आंसर इसकी लंबाई की बात कर लिया जाए तो बयासी किलोमीटर लंबी है याद रखना बयासी किलोमीटर लंबी है भाई नहर पेपर में आए ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है भाई भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर आओ लिखा है डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है तो डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है बताओ तो भैया जो डीपीटी है डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के, के लिए दिया जाता है डिप्थीरिया के लिए टिटनेस के लिए ए और बी दोनों के लिए पहले इसका फुल फॉर्म देखो डी बोले तो डिप्थीरिया डी बोले तो डिप्थीरिया बच्चे डी बोले तो डिप्थीरिया और टी बोले तो पी बोले तो भैया इसको कहेंगे और किसको कहते हैं काली खांसी को कहा जाता है पर्ट्यूसिस किसको कहते हैं काली खांसी को कहते हैं भाई काली खांसी को पर्ट्यूसिस किसको कहते हैं काली खांसी को कहते हैं याद कर लेना अब पेपर में आए टी बोले तो टिटनेस तो ये बच्चे आंसर क्या होगा अब बताओ ये तीनों बीमारियों के लिए एक साथ दिया जाता है टीका तो ए और भी दोनों आंसर हो जाएंगे ए और भी दोनों आंसर हो जाएंगे बिल्कुल इसका राइट आंसर है दोनों हो जाएंगे भाई याद रखना जबरदस्त आंसर दे रहे हो भाई ठीक है चलो भाई अगले में आओ अगला क्वेश्चन शिवाजी का राज्यभिषेक 16 जून सोलह ईस्वी को किसके द्वारा किया गया स्वामी दयानंद गंगा भट्ट दयानंद पांडे जल्दी बताओ शिवाजी का राज्यभिषेक किसके द्वारा किया गया जल्दी से आंसर दो चलिए एक लड़की है गरिमा सिंह तुमको क्या लगता है मजाक चल रहा है चलिए जल्दी जल्दी जल इसका राइट आंसर दो बिल्कुल गंगा भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा के द्वारा किया गया ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है और गंगा भट्ट के द्वारा इसका क्या किया गया था बच्चे याद रखना इनका राज्यभिषेक किया गया अगले पे आओ लिखा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था कुणाल थे दशरथ थे जलोक थे या वेद्रत? तो अशोक जो था बेटा याद कर लेना अशोक के पिता का क्या नाम था तो आप कहोगे इनका नाम था बिंदुसार बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था तो हिंदुसार के जो पिता थे इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य क्या नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्या डायनेस्टी की स्थापना की तो भैया अंतिम पूछा गया है मौर्य वंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य इनके बेटे होते हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे होते हैं अशोक महान तो भैया बच्चे अंतिम पूछा गया है तो इसका राइट आंसर कहोगे बृहद्रथ थे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा बहुत बढ़िया हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आओ देखा चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है जल्दी से बताओ भाई चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे या अवश्रव्य तरंगे जल्दी बताओ तो चमगादड़ अंधेरे में किस बच्चे तरंगों के कारण उड़ता है जल्दी बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ फटाफट आप लोग आंसर दो चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करते रहो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बताइए तो आप इसका राइट right आंसर क्या बताओगे भाई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है से अधिक भैया हर्टर से अधिक होती है इनकी आवृत्ति क्लियर है चमगादड़ इन्हीं तरंगों से अपने शिकार को पकड़ता है जो आप श्रव्य तरंगे हैं इसकी आवृत्ति होती है बीस हट से कम और इन्हीं तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता बीस हट से कम होती है याद रखना कम और इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन पाता तो पेपर में आता है कि मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन पाता तो आप कहोगे मनुष्य और सफ तरंगे नहीं सुन पाता तो इनको सुनता कौन है इनको सुनता कौन है बच्चे तो इनको सुनता है जैसे आप बताओगे गैंडे हैं गैंडे गैंडे के साथ साथ मछलियाँ हो गई मछलियाँ और ये वही तरंगें जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होती हैं तो गैंडे मछलियाँ हो गई और इसी में बच्चे लिख लो गैंडे हो गया मछलियाँ कुत्ता हो गया बिल्ली हो गया इन बच्चे इनको बड़ी जल्दी पता चल जाता है यानी ये भूकंप के दौरान उत्पन्न होती हैं और मनुष्य इनको सुनने के लिए किसका प्रयोग करता है या आला का प्रयोग करता है। आइए, जल्दी बताओ। अनुरु आपका कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है आज मिल जाएगा आप परेशान न हो ठीक है चलो भाई मिल जाएगा आप परेशान न हो ये घबराइए नहीं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बस आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई जो तो सोहेज नहर वाला है लास्ट में आंसर देख लूंगा परेशान ना हो ठीक है अगर बार बार आप बच्चे दिक्कत होता है भाई ऐसे ना बोला करो ठीक है अनुरोध आप अपना एक कमीन को कॉपी पेस्ट ना करें नहीं हमारी टीम आपको फालतू में ब्लॉक कर देगी आपको घबराना नहीं है चलो आओ बताओ पेंसिल की राड किसका बना होता है आप आंसर दें तो पेंसिल की राड है ये किसका बना होता है ए ऑप्शन है ग्रेफाइट बी ऑप्शन है कार्बन सी ऑप्शन है टंगस्टन डी ऑप्शन है चांदी तो पेंसिल की राड बनी होती है ग्रेफाइट भैया टच स्क्रीन जो तो टीवी होती है टीवी की टच स्क्रीन किसकी बनी होती है तो टीवी की टच स्क्रीन जो होती है ये भी बेटा किसकी बनी होती है तो आप कहोगे ग्रेफाइट और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है बच्चे किसमें याद रखना ग्रेफाइट एक मात्र बच्चे लिख लो एक मात्र धातु जो चमकती है एक मात्र धातु जो चमकती है भैया जिसमें लस्टर के गुण पाए जाते हैं एक मात्र धातु जो चमकती है याद रखना और ग्रेफाइट पेपर में आ जाए, ये भी की सुचालक है, या कुचालक तो आप कहोगे ये विद्युत का क्या है विद्युत का बच्चे आपके याद कर लेना गुड कंडक्टर है यानी करंट प्रवाहित होता है इसका राइट आंसर आप बता सकते हो बिल्कुल और चिप में बेटा वो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं क्लियर है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में अगर टंगस्टन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है तो आप कह देना इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है बच्चा अगले पर आओ अगले का जवाब दो आके लिखा है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया तो भैया जो कलिंग युद्ध था ये कब लड़ा गया 261 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व 255 या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बता दो तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलिए क्षत्रियमन सबके कमेंट आ रहे हैं सारे बच्चों के कमेंट पढ़ना बच्चे पास्बल नहीं है चलो आओ ये कहा कलिंग युद्ध कब हुआ तो आप कहोगे 261 ईसा पूर्व हुआ था इसका राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए अभी भी बता रहे हो बच्चे जो 326 में हुआ ये हुआ था हाइडेस्पिस का युद्ध हाइडेस्पिस इसी को कहते हैं वितस्ता का युद्ध बच्चे याद कर लेना सिकंदर की सेना बिल्कुल संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका झील किस पर्वतमाला में है जल्दी बता दो संसार की सबसे ऊंची टिकी टिटी काका झील किस पर्वतमाला में है आंसर दो इसका राइट आंसर बताओ संसार की सबसे ऊंची झील टिटी काका झील किस पर्वतमाला में है सुरुचि सिंह बताओ इसका राइट आंसर बताओ भैया बड़ा बड़ा आंसर दिया आल्पस इसका बच्चों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीत पर्वतमाला बच्चे याद रखना क्लियर है किस पर्वतमाला में है तो इसका राइट आंसर आपको आ गया चलो बिल्कुल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीत या आंसर दो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीत पर्वतमाला में एंडी पर्वतमाला और टिटी काका झील बेटा याद कर लेना इसी को आप कहते हो हनीमून लेक हनी मून लेक के नाम से जाना जाता है क्या केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है जल्दी बताओ केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है जल्दी बताओ अब लग रहा है ना तैयारी कितनी करनी चाहिए तुमको आए बताओ लाला चलो जल्दी आओ सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं डालते अरे सर आप क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डालते मैं टाइपिस्ट से कहूंगा भैया क्वेश्चन का नंबर डाल दिया करो केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है कोचिन मेरनाकुलम त्रिवेंद्रम या कालीकट जल्दी से बताओ बड़ा बड़ा आपको आंसर देना है बताओ बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो भाई केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर है कोचीन में है एर्नाकुलम में है त्रिवेंद्रम या कालीगढ़ बच्चा बच्चा आंसर बोलेगा केरल का उच्च न्यायालय पर स्थित है बताओ पूरा समय दे रहे हैं कि आपको लगे न केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है बताओ भैया देखो ये हाल है तुम लोगों का गलत बता दे रहे हो तो आंसर हो जाएगा कोची में यानी कोचीन में स्थित है एर्नाकुलम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भैया ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है लिख लो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कौन तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला इरना कुलाम है बेटा केरल का इम्पोर्टेंट है याद रखना क्लियर कालीकट बेटा याद कर लेना ये बंदरगाह है और इसी बंदरगाह के रास्ते बेटा कौन आया था तो याद रखना इसी में वास्को डी आया अगले पे आओ एक आए राष्ट्रीय यूथ डे कब मनाते हैं युवा दिवस कब मनाते हैं बारह जनवरी आठ मार्च पांच जून या बच्चे चौदह मई जल्दी आंसर दो बहुत बढ़िया अनुरोध वही बच्चे कमेंट फिर तुम टाइप करने लगे अब तुम ब्लॉक हो जाओगे भाई ठीक है अब ब्लॉक हो जाओगे एक कमेंट को बार बार नहीं करना बाबू मेहनत करनी है आपको तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं तो 12 जनवरी याद कर लेना इसका करेक्ट आंसर 8 मार्च याद करो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब 8 मार्च को लिख लो बच्चा 8 मार्च को क्या मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 5 जून बच्चे पर्यावरण दिवस क्या पर्यावरण दिवस मनाते हैं पांच जून को लिख लो पर्यावरण दिवस पांच जून को अब जल्दी बता दो इकतीस मई को कौन सा दिवस मनाते हैं बाबू आंसर दो इकतीस मई इकतीस मई बाबू आंसर दो तो भैया आप कहोगे इकतीस मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस क्या विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं इकतीस मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं 31 मई फिर अगला याद कर लेना एक जुलाई एक जुलाई को कौन सा दिवस तो आप कहोगे एक जुलाई को मनाते हैं क्या डॉक्टर डे मनाते हैं क्या बच्चे डॉक्टर डे मनाते हैं फिर आपको याद कर लेना है ये मालूम है तो भैया इकतीस मई हो गया एक जुलाई हो गया अब यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ फटाफट आप लोग आंसर दो भाई चलिए तो बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट मारो जबरदस्त तरीके से लिखा है लेब्राडोर किस प्रकार की जल्द हरा है तो बताएं। लेब्राडोर किस प्रकार की जल्द हरा है जल्दी से आओ सभी लोग बताओ ठंडी है या गर्म है या शांत है या गतिमान ये शांत और गतिमान को यह जल्द के प्रकार तो है नहीं ए और बी में बताओ ठंडी है या गर्म ठंडा है या गर्म जल्दी बताओ गर्म चीज बाद में ठीक आपने पढ़ा था बताओ गर्म चीज बाद में बच्चे हम नहीं बुलाक करते बाबू क्षत्रियमन ठीक हमारी टीम है जब आप एक कमेंट को दस बार लिखोगे तो टीम बच्चे कोई भी है ब्लॉक कर देगी यार पढ़ने आते हो बार बार वही कमेंट ये बताओ हम तुमसे बात बातचीत करने आए या पढ़ाने हैं बोलो यार तो आप जल्दी से आंसर दो लेप्रा डोर कैसी है जल्द ठंडी या गर्म लेप्रा डोर कैसी जल्द हरा है आंसर दो तो भैया इसका राइट आंसर बताओगे तो लेब्राडोर कैसी जल्द हरा है तो आप सभी का आंसर आ गया देखो दुई ऑप्शन है आधे गर्म बता रहे हो आधी ठंडी बता रहे हो कैसे काम चल पाएगा बताओ एक ठंडी एक गर्म दो ही ऑप्शन है वो तुम दोनों तुक्का मार दिया ऐसे नहीं मारना भाई ऐसे नहीं मारना चलिए अब एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आपकी टोपी अच्छी लग रही है अरे टोपी के चक्कर ना पड़ो जो चीजें हैं उनको याद कर लो अगले में आओ एक चीन का राष्ट्रीय खेल बताओ जैसे अपने भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है ऐसे चाइना का बताना है तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया फुटबॉल है क्रिकेट है टेबल टेनिस है या शतरंज है बच्चा, बच्चा बच्चा बोलेगा चाइना का बिल्कुल चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है इसका राइट आंसर बताओ भैया फटाफट इसका राइट आंसर दो चीन का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है तुरंत आंसर कहोगे जो तो चाइना के लोग हैं इनका राष्ट्रीय खेल लिख लो टेबल टेनिस बच्चे इसका राइट आंसर अपने भारत का क्या है तो भैया भारत का कौन नहीं जानता अपने भारत का है भैया हॉकी क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हाकी है बच्चे हाकी से याद कर लो हाकी का जादूगर किसको कहते हैं हाकी का मैजिशियन या जादूगर किसको कहते हैं तो ये कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को किसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है जिन्होंने बेटा याद रखना इन्हें के जन्म दिवस को आप सेलिब्रेट करते हो उनतीस अगस्त को इनका जन्म दिवस होता है और उनतीस दिवस उनतीस अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हो राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चे इन्हीं के जन्म दिवस को आप सेलिब्रेट करते हो आप आसानी से बता सकते हो अगले पर आओ अगला क्वेश्चन बताना है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई तो ये तो पता सी आर दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया लेकिन कब की गई ये बताओ स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई आंसर दो एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई आंसर दो भाई बहुत बढ़िया तो किसने किया तो आप याद रखना एक जनवरी 1923 को की गई थी कब की गई एक जनवरी यानी फर्स्ट जनवरी 1923 को बेटा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और किसके द्वारा तो आप कहोगे सी आर दास यानी जिनको आप कहते हो चितरंजन दास के द्वारा चित्रंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई याद रखना इनको आप कहते हो सी आर दास अगले में आओ अगले का आंसर दो लिखा है महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाध किसने दी तो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाध किसने दी लॉर्ड बेले जली लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिटन लॉर्ड डलहोजी केसर हिंद की उपाध किसने दी देखते कौन बता पाएगा इसका सही आंसर ये वही उपाधि है जो बच्चे जलिया वाला बाग हत्याकांड में इन्होंने वापस कर दिया वापस कर दिया था बिल्कुल भाई मेरे लाल इसका राइट आंसर आपको देना था लाड वेले जली लाड वेले जली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले में आओ ले धूप के चश्मे के लेंस किस कांच के बने होते हैं जो धूप के चश्मों के लेंस हैं ये किस कांच के बने होते हैं फिलिंड कांच पायरेक्स कांच क्राउन कांच क्रुक्स कांच जल्दी से बता दो तो भैया पायरेक्स कांच के बेटा बनाए जाते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में यानी जिसको आप परख नली कहते हैं बेटा इसी से लेंस बनते हैं लेंस बीकर बनते हैं बीकर जो फिजिक्स में आप लोग लैब में देखते हो बीकर लेकिन क्राउन कांच के बेटा याद कर लेना क्राउन कांच बच्चे याद कर लेना सबसे ज़्यादा क्राउन कांच बच्चे जो हम लोगों के चश्मों के लेंस होते हैं वो इसी के बने होते हैं तो चश्मों के लेंस किसके होते हैं तो चश्मों के लेंस जो हैं वो इसी के लेकिन जो धूप के चश्मे हैं ये क्रुक्स कांच के बने होते हैं जिनको आप सन ग्लासेज या धूप में बचे चश्मे यूज करते हो इनको आप पोलराइट चश्मों के नाम से भी जाना जाता है अगले क्वेश्चन की तरफ आओ अगला है साउंड प्रणाली की खोज किसने की चलो जल्दी बताओ सौर प्रणाली की खोज किसने की जल्दी से आंसर देना है जो तो सोलर सिस्टम है इसकी खोज किसने की जल्दी बताओ क्या गैलीलियो ने खोजा था जीएल बियर्ड ने तो बाबू टेलीविजन की खोज किया इन्होंने तो टेलीविजन जो टीवी देखते हो आप लोग घरों में तो टेलीविजन की खोज किया जीएल बियर्ड ने कापर निकस ने किया या कैपलर ने किया तो भैया सौर प्रणाली की खोज पूछा है सौर प्रणाली की खोज पूछा है ना तो आप क्या बताओगे का कापर निकस इसका राइट आंसर हो जाएगा कापर निकस बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर करते हुए आप सभी लोग चलिए आइए भैया आओ जल्दी से आओ जबरदस्त तरीके से कैपलर ने बेटा ग्रहों के गति के नियम दिए ग्रहों के गति के नियम दिए थे भैया ग्रहों के गति के नियम किसने दिए तो कैपलर ने दिए आप आसानी से बता सकते हो भाई क्लियर चलिए अगले पे आओ अगले पर आओ लिखा है, है सूर्य सूर 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 के चारों भैया सूर सूर ये सूर्य देवता है घूमने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हो ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशी पिंड को क्या कहते हो भैया जो सूर्य के ओर भैया गोल गोल घूम रहे उन्हीं को ग्रह कहते हो जिसको आप क्या कहते हो प्लानेट कहते हो तो जो सूर्य के ओर भैया घूमते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में उन्हीं को क्या कहते हो उन्हीं को क्या कहते हो बाबू प्लानेट या ग्रह कहते हो और जो ग्रह के चारों ओर अब मान लो ये ग्रह है ये सबके सब क्या है ग्रह अब ग्रह के चारों ओर जो घूमेंगे वो क्या हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमेंगे उनको कहेंगे उपग्रह यानी सेटेलाइट तो जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उनको उपग्रह या सेटेलाइट के नाम से जाना जाता है ठीक किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हो तो भैया अगर किसी ग्रह के चारों ओर अगर घूम रहे आकाशीय पिंड तो वो क्या कहलाते हैं अभी बताया उपग्रह अब बताओ सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं मंडल सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं बाबू सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह जल्दी से बता दो बच्चे सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं बता दो तो सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं तो आप कह देना सर्वाधिक उपग्रह जो हैं ये हैं भैया शनि के शनिवार रात हमें नींद नहीं आती तो शनि के हैं और शनि के कितने हैं आप कहोगे वन

फाइव उपग्रह हैं शनि के 145 उपग्रह हैं। आप बता सकते हो 145 और सबसे पेपर में आ जाए कि ऐसे कौन से उपग्रह हैं जिसमें ऐसे कौन से ग्रह हैं, जिनके कोई सेटेलाइट नहीं है ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई सेटेलाइट नहीं तो आप याद तो तो रखना दो ग्रह हैं एक ग्रह का नाम क्या है एक ग्रह का नाम है बेटा शुक्र नाम है और एक का नाम है बेटा बुद्ध एक का नाम है बुद्ध और एक का नाम है शुक्र इनके कोई उपग्रह नहीं है दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं लिख लो दो ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं कोई सेटेलाइट नहीं आप बता सकते हो ये दो ग्रह हैं और शुक्र अगले पर आओ अगला क्वेश्चन बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया जो ग्रह होते हैं ना जो प्लानिट होते हैं तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया न्यूटन ने दिया था या कैपलर ने या कास ने या गैलीलियो ने जी हां भाई जल्दी से इसका राइट आंसर देना है चलो रिपन कहा से दिए थे भाई तुमने कहा पढ़ लिया बच्चे चलो बताओ जल्दी से ऑल द बेस्ट क्लास सर जी चलो संजू राय मजा आ रहा है आपको अगर देखो एक घंटा पता नहीं चला जब आप पढ़ने के मूड से होना तो एक घंटा पता नहीं चलेगा बस आप लोग पूरा मॉक लगा के जाना है पूरा मॉक लगा के जाना है बताइए तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया तो आप कहोगे कैपलर ने दिया था आओ लिखा है सूर्य के ओर घूमने वाले सूर्य के ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है तो सूर्य के ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या भैया आठ है, पहले कितने थे तो भैया पहले हुआ करते थे नौ सर जी पहले कितने थे पहले नौ ग्रह हुआ करते थे नौ ग्रह ठीक है नौ ग्रह हुआ करते थे ग्रह कौन था तो ग्रह था प्लूटो क्या नाम था प्लूटो यानी जिसको आप कहते हो यम प्लूटो या यम को बच्चे किसने ग्रहों की सीरीज से हटा दिया प्लूटो या यम को ग्रहों की सीरीज से हटा दिया गया याद रखना प्लूटो या यम को ग्रहों की सीरीज से हटा दिया गया क्यों हटा दिया गया बच्चे जैसे एक क्लास है और एक क्लास में एक बच्चा खूब शोर मचाए तो क्लास टीचर उसको भगा देते हैं ऐसे ही प्लूटो या यम को बेटा कब हटाया गया तो ये डेट ही चौबीस अगस्त 2006 क्यों क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था तो इसलिए चौबीस अगस्त 2006 छह को बेटा क्या किया गया ग्रहों की से इसे हटा दिया गया आप बता सकते हो तो अब वर्तमान में कितने बचे आठ हैं भैया अगले में आओ लिखा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम तो भैया सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है तो भैया सूर्य के बाद कौन आता है बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल लो भैया ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए जी हां भाई ऑप्शन नंबर ए बता दिया बिल्कुल सही जवाब है अगले में आओ देखा है निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है इन चारों में बताओ कौन सौर मंडल के अंतर्गत तो नहीं रखा गया या कौन सौर मंडल का भाग नहीं है तो क्षुद्ध ग्रह धूम केतु छे बच्चे ग्रह या निहार का लगा दो अगले में आओ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताओ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है जल्दी जल्दी आंसर करो चलिए जल्दी बताओ फटाफट बड़ इसका राइट आंसर बताओ एस एस सी का एग्जाम कैलेंडर आ गया बिल्कुल मेहनत करो भाई कैलेंडर आ गया मेहनत करो चलो फटाफट बड़ बताओ Osionfish. तो किसका है बात साने आंसर दे दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है बताओ तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है ये निर्वात में होती है किस में निर्वात में लिख लो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है कितनी तो आप कहोगे 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड भैया 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ये भी मालूम होना चाहिए आपको चलिए अगले में आओ अगला है दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक बताओ प्रकाश वर्ष है या पारसेक है मीटर किलोमीटर ये हटा दो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताओ प्रकाश वर्ष है या पारसेक है जल्दी बताओ तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है देखते हैं कौन बता पाएगा तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आप कहोगे गुरुदेव पार है अगले में आओ एक एक बराबर बराबर होता है। एक पार बराबर होता है है कितने के तो आप कहोगे थ्री इंटू टू सिक्स इंटू बच्चे कितना याद रखना इतने प्रकाश वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आइए फटाफट -फड़। बब्बू आ गए बहुत बढ़िया बब्बू फटाफट -फड़ आंसर देते रहो जबरदस्त भैया एक बार लाइक भी कर दिया करो बीच बीच में तुमको लगा यार लाइक करना उचित है बोलने में मेहनत पड़ती आओ किसने कहा था सूर सौर मंडल का केंद्र है ये किसने सिद्ध किया था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है आर्यभट्ट ने कैपलर ने कॉपर निकस ने टालमी ने तो ये किसने कहा था कि जो सूर है सौर मंडल का केंद्र है ये कहा था कापर निकस ने पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं ऋतुओं में परिवर्तन परिभ्रमण गति होती है या परिक्रमण गति होती है या दैनिक गति होती है वार्षिक गति होती है तो भैया जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के द्वारा होते हैं बताओ बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति अगले में हो। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह बताओ इसका राइट आंसर बताइए तो भैया इसका राइट आंसर आप बता सकते हो कि बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्यारा सा इसका आंसर हो जाएगा चलिए जल्दी दे इसका राइट आंसर दो तो आप कहोगे इसका राइट आंसर गर्म एवं पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की 90 परसेंट अधिकता है इसलिए इसको हार्ट प्लान सौंदर्य का देवता सिस्टर बच्चे प्लानिट यानी बहन ग्रह मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा ये कई सारे तमाम जानकारी आपके साथ होती रहेंगी अगले में आओ पृथ्वी पर दिन और रात जैसे अभी देखा होगा दिन क्या है अब दिन अभी छोटा है है रात बड़ी हो रही है। लेकिन अब पचीस दिसंबर हो गया आज बेटा अट्ठाईस दिसंबर है पच्चीस दिसंबर के बाद दिन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है तो बच्चे अभी आप देख रहे हो दिन तब भी छोटा है रात बड़ी है तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कब होती है ये बताना है तो बारह घंटे का दिन और बारह घंटे की रात वो दो तिथियां हैं इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर इक्कीस मार्च और तेईस सितंबर में दिन और रात बराबर होते हैं ये दो तिथियां आपको याद कर लेना है आइए अगले पर अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्षुद ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं तो ये क्षुद ग्रह की पेटी जो है ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है बताइए तो छुद ग्रह के बच्चे किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं आप बताइए इसका राइट आंसर बताओ Hello? छुद ग्रह बच्चे याद कर लेना मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी पेटी पाई जाती है छुद्ध ग्रह की पेटी पाई जाती है इसका राइट right आंसर आप कहोगे मंगल और बृहस्पति के बीच ग्रह की पेटी पाई जाती है लल्ला बहुत शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन करते रहना लिखा है तारे का रंग किसको बताता है जो तो तारा है सूर्य क्या एक तारा है सूर्य ग्रह नहीं है सूर्य तारा है तो सूर्य का बच्चे तारे का रंग किसका सूचक है ज्योति का द्रव्यमान का ताप का या वेग का जल्दी बताओ ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो भैया आप कहोगे तारे का रंग बेटा किसका सूचक है उसके टेम्परेचर का यानी ताप का सूचक है तुरंत आंसर करोगे अगर लगाओगे मॉक टेस्ट तो मिलेगी इस सर्दी वर्दी और इस सर्दी अगर आपको चाहिए वर्दी तो जुड़ना होगा हमारे साथ सुबह ग्यारह बजे क्लास हो रही है और शाम को छह बजे क्लास होती है आइए लेकिन मंडलों की कुल संख्या जल्दी से बताओ तारा मंडल अटैक करो भाई जल्दी से क्वेश्चन पर ता... बिल्कुल सही बता रहे हो नवासी तारामंडल है एट्टी नाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले में आओ अगला बताओ आकाश गंगा की आकृत कैसी है जो मिल्की वे है आकाश गंगा है इसकी आकृत पूछा गया है बच्चे जैसे अपनी पृथ्वी जो है अर्थ जो है ये अंडाकार गोलाकार नहीं जी सेफ है जियोट सेफ है ऐसे ही आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है आयताकार तिब्जाकार या गोलाकार तो हमारी जो आकाश गंगा है जिसको जिसको तो आप मिल्की वे कहते हो इसका आकार जो है ये सर्पिलाकार है अगले में आओ पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है तो पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात करते हैं जल्दी बताओ तो पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग से या जैविक घड़ी से या यूरेनियम डेटिंग कार्बन डेटिंग से तो भैया जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं इससे तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं तो अगर जब भी पेपर में आए कि कार्बन डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात करते हैं तो आप कहोगे जीवाश्म की फसल से की जबकि पृथ्वी की, की आयु यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात करते हैं चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह जल्दी बताओ चंद्रमा किस ग्रह का एक मात उपग्रह जल्दी बताओ चंद्रमा भैया बता चंद्रमा का एकमात्र है तो आप कहोगे चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह जो है वो है भैया किसका पृथ्वी का है भैया पृथ्वी इसका राइट आंसर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में आ जाता है बताओ तो चंद्रमा का प्रकाश तो तो तक बेटा एक मिनट अट्ठाईस सेकंड में आ जाता है कितना एक मिनट अट्ठाईस सेकंड में आ जाता है लिख लो एक मिनट अट्ठाईस सेकंड में आ जाता है इसका करेक्ट आंसर बताओगे बहुत बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो लिखा है क्या कहते हैं बताओ उपसौर कहते हैं चार जुलाई को कौन सी घटना घटित होती है बताओ क्या अब सौर होता है या उपसौर होता है जल्दी बताओ इसका राइट आंसर बताओ उपसौर होता है यानी हेलियन बच्चे चार जुलाई को उपसौर होता है अब सौर जल्दी से आंसर दो बहुत बढ़िया देखो तो मैंने आपको ट्रिक बताया था ट्रिक बताया था टिक से आपको करना था तो सौर हो जाएगा इसका राइट आंसर तीन जनवरी को बच्चे याद कर लेना आंसर हो जाएगा आप सौर अगले में आओ देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना अकेले चलने की हिम्मत रखना मेरे दोस्त आइए आइए अगले क्वेश्चन में आइए बताइए आगे सबसे बड़ा रहा ग्रह बताओ सेरस से है मकर है वीटो है या सेरस सबसे बड़ा रहा ग्रह कौन सा याद रखना सबसे बड़ा रहा ग्रह पेपर में आ जाए तो आप कहोगे सेरस है इसका राइट आंसर लगा देना ऑप्शन नंबर एक अगले में आओ भोर या सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं आप कहोगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये कहा जाता है शुक्र को कहते हैं याद रखना और ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे बड़ा ग्रह है याद रखना क्लियर अगले में आओ लिखा है पौना ग्रह किसे कहते हैं प्लूटो एरिसरस तो भैया बौना ग्रह किसे कहा जाता है तो अगर ये देखे जाए तो तीनों के तीनों कैसे ग्रह हैं बौने ग्रह हैं अगला चमकीला तारा तो सबसे चमकीला ग्रह नहीं पूछा वो तारा पूछ रहा है याद रखो तो सबसे चमकीला तारा बताओ तो भैया याद कर लेना सीरियस नहीं साइरस होगा साइरस सबसे चमकीला तारा है याद रखो अगले में आओ सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो भैया सन है सूर्य तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताओ नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन तापायनी ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन आप बताओ ये और बी में कौन होगा तो भैया सूर्य में ऊर्जा का सोर्स बताना है बताइए सूर्य में ऊर्जा का सोर्स बताना है आपको जल्दी से बता दो देख लेते हैं परेशान नौ क्या था तीन जनवरी को क्या होता है तो भैया देखो तीन जनवरी पूछा है तो सौर और इसके पहले पूछा गया था चार जुलाई ये उल्टा हो गया अब सौर लगाना है आपको है ना चलो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ बहुत बढ़िया कर दिया कर दिया जल्दी से बताओ फटाक से बड़ा, बड़ा आप लोग बताओ अंकित सरोज कर दिया भाई देख लो जाके नक्की बहुत बढ़िया चलो जल्दी से बताओ फटाफट आंसर दो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो आप कहोगे उसमें उपस्थित बेटा क्या है नाप की सल्लन की प्रक्रिया है सूर्य की सतह का तापमान कितना है तो बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो भैया आपने पढ़ा होगा जो दो देशांतर रेखाएं हैं जैसे मान ले हमने कहा ये ग्लोब है अब ये ग्लोब है इसको बच्चे हमने एक यहां पर इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो ऐसे ये देशांतर रेखा कितनी होती है ऐसे बेटा देशांतर रेखा कितनी होती है तो इन्हीं देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन कई सारे आपके बन जाते हैं कैसे समझिएगा बच्चे पेपर में आता है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कि दो देशांतर की बीच की दूरी क्या कहलाती है इसी को भैया गोरे कहते हैं क्या गोरे इसका आंसर तो लगा लो गोरे हो जाएगा दो देशांतर की बीच की दूरी को गोरे कहते हैं अब देखो 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर है तो 180 180 कितना हो गया तो आप कहोगे तीन सो साठ तो कुल देशांतर की संख्या पूछी जाए कुल कितनी तो कुल देशांतर पेपर में आए तो कुल देशांतर आप कहोगे 360 है देशांतर से क्या ज्ञात करते हैं तो समय को बच्चे हम ज्ञात कर पाते हैं अगले में आओ अगला है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है बताओ गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है बताइए तो गैनी किसका है शनि का है तो आपने कहा था शनि का सबसे बड़ा क्या है टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम आप कहोगे टाइटन है भाई क्या टाइटन और गैनीमीड किसका उपग्रह है तो आप कह देना ब्रहस्पत का गैनीमीड हो गया यूरोपा हो गया कैलिस्टो हो गया ये सबके सब किसके हैं ब्रहस्पत के हैं और गैनीमीड से अगर पेपर में आए लिख लो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है लिख लो भाई एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो आप कहोगे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह लिख लो गैनीमीड है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है अब बताओ मुझे छोटा उपग्रह कौन है छोटा उपग्रह कौन है बच्चे जल्दी बताओ छोटा उपग्रह जल्दी से इसका राइट आंसर तो आप कहोगे मंगल का क्या हो जाएगा डिमोर्स नहीं डिमोस हो जाएगा भाई क्लियर है डिमोस जो है ये मंगल का है याद कर लेना छोटा उपग्रह चलो अमन अभी क्लास चलेगी आपकी दस मिनट आओ अगले क्वेश्चन में अगला है कि सबसे बड़ा उपग्रह बताओ तो बड़ा अभी आपको मैंने बता दिया सबसे बड़ा उपग्रह कौन है जल्दी से इसका राइट आंसर देना है तो सबसे बड़ा उपग्रह आपको कह देना कि गैनी बड़ा है और छोटा है आपका डिमोस आओ अगले पर यात्री को आकाश कैसा दिखता है बताओ जो अंतरिक्ष यात्री हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बताइए काला नीला उजला तो भैया आप कहोगे काला दिखता है काला 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 अगले पर आओ अगला क्वेश्चन है लिखा है गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो जो गैसे हैं गैसों का दाब किससे मापते हैं जल्दी से बताओ तो गैस का दाब किससे मापते हैं फटाफट कर लो प्रैक्टिस बच्चे दस क्वेश्चन आपके इस मॉक टेस्ट में और हैं उनको भी आपको लगा के जाना है बताइए गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं किससे मैनोमीटर से आप कहोगे हाइग्रोमीटर तो भैया भैया जल की आपेक्षिक आद्रता जल की आपेक्षिक आद्रता को मापता है लिख लो जल की आपेक्षिक आद्रता को मापता है आप इसका राइट आंसर आप बताओगे क्लियर अल्टीमीटर बेटा आप सभी को देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है इधर भैया भैया तुम्हारी बनाई है अगले में आओ भाई, विजय घाट का संबंध किससे? जल्दी बताओ विजय घाट किसकी समाधि स्थल है आप आंसर दो फटाफट पड़ बताइए बिल्कुल सही बता रहे हो भाई लाल बहादुर शास्त्री की है विजय घाट क्लियर है आप बता सकते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर लिखा है शांति पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है आंसर दो तो शांति पुरुष के नाम से किसे जानते हैं जल्दी बताओ तो शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है आपको आंसर देना है देखते हैं कौन बता पाएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल वीरभूम राजीव गांधी बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे रहे हो इसका राइट right आंसर देना है आपको तो भैया शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है तो भैया सभी का राइट right आंसर आ गया काल आ गया था यार लो बात करने लगे तुम लोग तो इसका राइट right आंसर क्या होगा निशुप्रिया इसका करेक्ट आंसर देखो आधे ए बी सी डी सब लगा देते हो ना ऐसे नहीं करनी तैयारी सूरज कुमार थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है अलग नंदा गोदावरी कावेरी या ताप्ती तो भैया बद्रीनाथ बच्चे जो धाम है यह अलग नंदा नदी के किनारे है गोदावरी याद कर लेना तो प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो आप कहोगे सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है भैया तो प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आप कह देना वो है गोदावरी और ये निकलती कहां से नासिक के त्रियम्बकेश्वर चोटी से निकलती है लिख लो नासिक के त्रियम्बकेश्वर चोटी से निकलती है याद लिख लो त्रियंबकेश्वर चोटी से निकलती है इसका राइट आंसर आप बता सकते हो आप अगले में आओ रिगार डेनमार्क देश के संसद का नाम बताओ डेनमार्क की संसद का नाम बताना है डेनमार्क की संसद का क्या नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे पेपर में आता है बताओ तो आप कहोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है सोरा कहां की है जल्दी बताओ सोरा कहां की, की है अफगानिस्तान की है पाकिस्तान जल्दी बताओ सोरा कहाँ की संसद का नाम है ये भी बता दीजिएगा सोरा कहाँ की संसद है बिल्कुल अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर उड़ीसा या उत्तराखंड ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में है ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में आंसर दीजिए तो आप कहोगे ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है तो आप कहोगे ये सर जी हिमाचल प्रदेश में है क्लियर है आइए डूबते सूर का देश किसे कहा जाता है एक तरफ बच्चे हो और एक तरफ जिंदगी हो तो मैं आपको चुनूंगा मेरे बच्चों अंतिम सासे आपके साथ जीऊंगा। डूबते सूर का देश डूबते डूबे हुए सूर्य का देश डूबते क्या होता है बताओ इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा यह भी बताना ठीक है आज एक पहला मॉक टेस्ट था आज का मॉक टेस्ट कैसा रहा और रही बात पीडीएफ की तो सबसे पहले तुरंत का तुरंत लो पीडीएफ। अभी आपको मैं दे देता हूँ आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा देखो एक क्वेश्चन था नहर वाला मैं आपको लेकर चलता हूं अगर मिलता है एक क्वेश्चन था नहर वाला बच्चे उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना जो बच्चे विश्व की सबसे लंबी नहर है आप याद कर लो स्वैज नहर है क्लियर है स्वैज नहर इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर कितना हा देखो ये पनामा बयासी है और ये ये बेटा एक सौ तिरानवे पॉइंट थ्री किलोमीटर लंबी जो भूम्ध सागर और लाल सागर को जोड़ती है क्लियर है स्वैज नहर हो जाएगा इसका राइट right आंसर तो आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे बच्चे लव यू ऑल आप सभी को ढेर सारा प्यार ऐसे ही मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए दिल खुश कर दिया आपने अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलता हूँ आपसे कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम चलिए सुबह ग्यारह बजे क्लास जरूर जुड़ा करो और शाम छह बजे जय हिंद जय भारत अमित चौहान नाम ले लिया भैया चलो रिंकी बहुत बढ़िया कोई बात नहीं स्पीड में कभी कभी हो जाता है बाबू